हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्रैट। ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ मैं, ये वीडियो एक्चुअली सीरियस पार्टिसिपेंट्स के लिए है जो मार्केट में सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और जो मार्केट को लेके काफ़ी सीरियस हैं, जो लर्निंग को लेके सीरियस है, उन लोगों के लिए वीडियो। जो लोग भी क्रिटिसाइज़ करता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है, उन लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो और इवन मेरा चैनल भी नहीं है। ठीक है, मैं इस चैनल पर हर एक चीज़ पर अच्छे से करूँगा बातें जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा किसी यूट्यूब में। यूट्यूब चैनल में क्या होता है, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज़ करता है आजकल ना, लाइक जो चलता है वही आपको मैं मतलब एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस प्रो तक मैं लेके जाऊँगा, लेकिन धीरे 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 करके आपको लेके जाऊँगा। और ये जो आज का जो मास्टर क्लास है, इसमें मैं 6 टॉपिक इसमें डिस्कस करूँगा और 6 टॉपिक में मैं अभी आपको एक इनिशियल दे दूँगा, लेकिन ये इनिशियल जितना दूँगा मैं उससे आप प्रॉफिटेबल, बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ना बनने से भी, लॉस तो वैसे भी कर रहे हो लेकिन लॉस करना बंद हो जाएगा आपका, दैट इज़ फॉर श्योर। लॉस नहीं होगा आपका मार्केट में, लेकिन अब इसको ना क्या होता है मार्केट में, मार्केट्स आर सो डायनामिक, मार्केट्स में हर चीज़ चेंज होते रहते हैं, हर चीज़ मार्केट में बदलते रहते हैं। तो आपको क्या करना होता है मार्केट में, आपको जो चीज़ मैं सिखाऊंगा आगे आने वाले टाइम में भी और जब भी चीज़ सिखाऊंगा उसको आपको सीखना पड़ेगा, सीख के उसको आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। एंड देन जब उस पर आपको धीरे धीरे जब उसका महारत हो जाएगा ना, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट डायनामिक होता है तो आप उसको कस्टमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 6 टॉपिक जो 2024 का आउटलुक एंड मार्केट क्रैश क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस पैटर्न, कुछ कैंडलस्टिक्स और कुछ फ्यू इंडिकेटर्स, और उसको सब लेके एग्जीक्यूट कैसे करना है ट्रेड को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए कि इस चैनल में जो लोग हैं वो अभी एटलीस्ट 2-3 महीना हो गया उन लोगों को मतलब स्टॉक मार्केट में, तो उन लोगों को कुछ टर्म समझ में आता हो, इसके लिए मैं इसको वो समझ के ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं, क्योंकि सबको आजकल पता होता है सब कुछ चीज़ है ना। और मैं जो है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, हर चीज़ के बारे में मैं टच करूँगा, मतलब आज की वीडियो में नहीं लेकिन हम हर नए मेरे जो अगले वीडियो आएंगे हर चीज़ के बारे में होगा। और आपको जो आज सिखाऊँगा वो हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक हर टाइम फ्रेम में, हर चीज़ में, हर जगह में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो और ये है आज के लिए, और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, मार्केट में आप हर चीज़ सीखने मत जाओ, हर चीज़ सीखने मत जाओ, क्योंकि मुझे ये भी इंडिकेटर मुझे सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मुझे वो भी जानना है, मुझे प्राइस सब हर तरह के प्राइस पैटर्न जानना है, तो आपको क्या होगा ना, हर जगह हर वक्त आपको ट्रेड दिखेगा, अरे इसमें तो इसमें ट्रेड दिखा रहा है, इसमें बाय बोल रहा है, इसमें सेल बोल रहा है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आप कुछ चीज़ें लो कि मुझे ये कुछ भी लो, आप अगर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ एक 2-3 इंडिकेटर लो, अब मैं इसी में ट्रेड करूँगा, और देन या फिर आप कुछ प्राइस पैटर्न लो, मैं इस प्राइस पैटर्न में ही ट्रेड करूँगा, तो अब क्या होगा ना, आप उस चीज़ में धीरे धीरे महारत हासिल करोगे। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा फेमस एक ब्रूसली का कोट्स है, और ये शायद किसी हिंदी मूवी में भी शायद ये कोट्स को लिया गया था किसी एक मूवी में, आई डोंट नो। ब्रूसली का कहना है कि मुझे उस 10,000 किक से डर नहीं लगता जो एक बार प्रैक्टिस किया हो, मुझे वो एक किक से डर लगता है जो 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो आपको भी सेम बनना है, कुछ चीज़ें लो मार्केट में, उस पर आप पूरा उस पर काम करो, कुछ टाइम दो उसको, उससे काम करो, उसमें आप महारत हासिल करो। और मेरा इस चैनल का भी मोटिव यही है कि मेरा जितना लिमिटेड नॉलेज है और मैं जितना भी मतलब करता हूँ ट्रेडिंग, मैं इस बेस पे ही करता हूँ कि कुछ चीज़ों को ऊपर ही मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं वैसे ही आपको बनाना चाहूँ कुछ चीज़ बनाना चाहता हूँ कि आप भी कुछ चीज़ों को लेके ट्रेड करो और उसमें आप एकदम महारत हासिल करो, एकदम उसका बादशाह बन जाओ एकदम ना उसका, देन आपको पूरा जो भी ट्रेड मिलेगा आपको उसको पता होगा, उसको प्रोज एंड कॉन्स पता होगा, आपको कैसे कस्टमाइज़ करना हो सब पता होगा, सब कुछ आपको पता होगा। तो ऐसे आपको मैं सिखाने वाला हूँ, मेरे पूरे मेरे चैनल का यही इंटेंशन है कि आपको A to Z सिखाऊँ, लेकिन कुछ एक चीज़ों में आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं तो आपको सिखाऊँगा जो मुझे आता है, मैं आपको वही सिखाऊँगा, जो मुझे नहीं आता मैं कैसे सिखाऊँगा आपको। तो ऐसे आपको मैं हर एक चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, और ये जो अभी आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं,
इसमें जो टॉपिक है इन सब में अगर हर टॉपिक में अगर मैं तीन तीन घंटा चार चार घंटा का वीडियो बनाऊंगा ना तब भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है सब के सब। ठीक है, हाँ चल 2024 का आउटलुक और मार्केट क्रैश को छोड़ के, हाँ बाकी मार्केट क्रैश भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मतलब मार्केट क्रैश क्या होता है सब वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन बाकी जो टॉपिक मैं आज मतलब सिखाने जा रहा हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये सब चीज़ें, तो वो सब अपने आप में एक एक पूरा कोर्स बनता है, लाइक आपको उसमें एक तो पूरा कोर्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको उसमें आज के इसमें वीडियो में बेसिक्स सिखाऊंगा, और बेसिक मतलब उसमें आप काम भी करोगे ना बहुत अच्छा होगा वो बेसिक नहीं, एक्चुअली बेसिक कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, बेसिक एक्चुअली सिखाता नहीं कोई, सिंप्लिसिटी इज़ द की, सबको पता है ना, लाइक सब पता है लेकिन कोई अप्लाई नहीं करता ज़िंदगी में, तो वही है। तो अभी तो उस सब जो अभी टॉपिक है आज के वीडियोस का उसके बारे में मैं सब एक एक करके हर एक का बनाऊंगा धीरे धीरे करके, और आपको पूरा ए टू जेड नॉलेज दूंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे चैनल पे जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर एंटरटेनमेंट सीकर्स हैं तो वो लोग मेरे चैनल से दूर रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा कितना फॉलोअर्स है मेरा कितना क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो जो रियली सीखना चाहता है मैं उन लोगों को सिखाना भी चाहता हूँ, जो रियली सीखना नहीं चाहता मैं उन लोगों को क्या सिखाऊँ, उन लोगों को कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो चलिए अभी ज़्यादा लेट नहीं करते और इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग का ये पूरा मास्टर क्लास, लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ क्रैश एंड 2024 आउटलुक। ठीक है, तो पहला है कि क्रैश क्या होता है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रैश के बारे में, व्हाट इज़ क्रैश। देखो क्रैश होता है कि हम लोग कुछ भी होने से मार्केट में हमेशा अटकलें लगाए जाते हैं, आपको यूट्यूब में वीडियो मिलते होंगे या फिर कि हाँ क्रैश आ रहा है, क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। व्हाट इज़ क्रैश एक्चुअली? क्रैश देखो 0 to 5% जो फॉल होता है इंडेक्स लेवल पे बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग का अभी बेंचमार्क इंडेक्स क्या है निफ्टी, तो निफ्टी 50 है बेंचमार्क इंडेक्स, तो अगर 0 to 5% फॉल होता है ये स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट्स करेक्ट होता है, 0 to 5% फॉल होता है। ठीक है, और 5 to 25% का जो फॉल होता है वो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट्स, जो बुल मार्केट्स 4 साल 5 साल 10 साल के लिए रहता है, जो बुल मार्केट्स जो एक बुल मार्केट्स फेज होता है उसमें 5 to 25% का करेक्शन होता है। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट्स गो थ्रू पेरियडिक करेक्शन ऑफ 5 to 25% एंड 25% प्लस करेक्शन को आप उसको दिस कैन बी कॉल्ड ए क्रैश, और आप इसको क्रैश के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तब आपको क्या हो सकता है कि कोई कोई स्टॉक हो सकता है वो लॉन्ग टर्म के लिए पूरा नीचे रहे ऊपर ना उठे, या फिर आपका इंडेक्स जो भी है वो परफॉर्म करना बंद कर दे थोड़ा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपका 1 साल 2 साल लगे ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हो निफ्टी 50 का, ये वीकली टाइम फ्रेम में लगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में इतना कवर करना एक ही पेज में मुश्किल था। तो अब देखो ये 2017 के पहले पहले जो एक आया करेक्ट किया, आप उस सब जाके आप चार्ट में देख सकते हो कितना परसेंट करेक्ट किया। देखो आप अगर इस करेक्शन को छोटा मोटा इस पुल बैक को अगर आप क्रैश के हिसाब से लोगे तो आप बहुत बुरा फंसोगे, जैसे कि आपके 2023 के जो पहले पहले तो उसमें भी आपको जो करेक्शन मिला उसके बाद देखो मार्केट कहाँ पहुँच गया। ठीक है, वो 15,000 से अभी 22,000 भी टच कर चुका है। ठीक है, फिर बीच में जो आया था 2023 के मार्च अप्रैल के टाइम में जो आया था उसको भी अगर आप करेक्शन और क्रैश बोलोगे तो उसमें आपका तो लॉस ही होने वाला है, क्योंकि आप क्रैश हिसाब से सोचोगे पूरा इंडेक्स डूब जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर खाली एक ही बार इसमें क्रैश आया था, कब? वो कोरोना के टाइम पे, वो हमने रेड से मार्क किया गया, तो आप इसको देख सकते हो हर एक जगह पे आपको पुल बैक्स मिले हैं। ठीक है, पुल बैक्स के बाद मार्केट ने फिर से उसको रिबाउंड किया, फिर ऊपर गया, फिर लाइक ऐसे ही मार्केट चलता गया। ठीक है ना, तो आपको अभी क्रैश कब होगा? अभी अगर ऊपर से हाई से जब देखोगे 25% के नीचे करेक्ट करना स्टार्ट किया तो आप उसको क्रैश बोल सकते हो। तो आप बोलोगे तो अब इतना टाइम तक अगर, तो देखो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो देन तो ठीक है, मैं इस ये जो है क्रैश ये किसके लिए ज़्यादा होता है, जो बहुत लंबे टाइम पे पोजीशन ट्रेड करते हैं, जो बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कुछ भी, उन लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि वो लोग अपना पूरा पोर्टफोलियो बेचें ना ना बेचें, वो लोग क्या करें। अगर अभी मान लो आप पोजिशनल ट्रेडर हो, ठीक है, तो अभी अगर आप हर एक जगह पे निकलते रहोगे क्रैश बोल के, तब तो नहीं होगा। ठीक, अभी जैसे कि ये 2023 के मार्च अप्रैल में जो करेक्शन आया था, उसको अगर क्रैश क्रैश बोल के अब निकल जाओगे तो नहीं होगा। आपको तब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि क्रैश मार्केट में कभी कभी आता है, तो उस टाइम पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। आप बोलो कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें, देखो एक सिंपल थम रूल रख लो, जब भी इंडेक्स 10% से ज़्यादा गिर जाए, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए, तब देखना चाहिए कि आपको कौन सा स्टॉक्स के पीछे जाना है। आपको मैं इसका एक पूरा फुल फ्रेमवर्क दे देता हूँ। अभी मान लो आपका इंडेक्स 10% से ज़्यादा गिर गया, ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे कि इंडेक्स क्या कर रहा है। अभी 10% ज़्यादा गिरने के बाद वो क्या डेली टाइम फ्रेम में कुछ पॉजिटिव बना रहा है, कुछ भी पैटर्न बना रहा है, जो आप पैटर्न फॉलो करते हो उसका पैटर्न कुछ बना रहा है, या फिर आपका कुछ, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे में चल के कि कैसे बनाना है उसको, तो तब देखो आप उसको कि तब इंडेक्स क्या कर रहा है, कैसे आप इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, कैसे इंडेक्स नीचे कुछ बेस बना रहा है कि क्या नहीं बना रहा है। तो जब इंडेक्स बेस बना रहा होगा ना कोई स्टॉक्स उस बेस बना के ब्रेकआउट दे चुका होगा, और दो जो स्टॉक उस बेस से ब्रेकआउट दे चुका है, जब इंडेक्स एक बेस बना के निकलने वाला है, और अगर वो स्टॉक पहले ही निकल चुका होगा, क्योंकि वो उस बुल मार्केट का उस फेज का वो मतलब लीडर स्टॉक होगा। अगर आप उसमें उस स्टॉक में आप तब घुस गए जब वो ब्रेकआउट दे दिया और इंडेक्स यहाँ पर बेस बना रहा है, तब आपका मतलब यारे नारे हो जाएंगे, मतलब बल्ले बल्ले टाइप का हो जाएगा आपका, क्योंकि पूरा आपका तब वो स्टॉक्स, अगर इंडेक्स वहाँ से 15% गया ना, वो स्टॉक आपका 60-70% भागेगा, या फिर डबल भी हो सकता है। वो 4-5 महीने में आप देखे होंगे कि लास्ट 6 महीने में स्टॉक्स डबल ट्रिपल हुआ है ना, तो सेम होता है। तो आपको क्या करना होगा, जब थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करे, आप ढूंढो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आप बाय ओनली ट्रेडर हो, तब ढूंढने की कोशिश करो कौन सा सेक्टर अभी क्या कर रहा है, कौन सा स्टॉक्स क्या कर रहा है, ढूंढने की कोशिश करो। इसका सिंपल फ्रेमवर्क मैं दे दूंगा आपको कुछ इस वीडियो में, हो सकता है तो मैं दे दूंगा, कि आपको तब ढूंढना है कि कौन सा सेक्टर ब्रेकआउट कर चुका है जब इंडेक्स फ्लैट बेस बना रहा है, या फिर कुछ भी बना रहा हो पैटर्न, इंडेक्स अभी होल्ड कर रहा है नीचे, तो आप देखोगे कौन सा सेक्टर ब्रेकआउट कर रहा है, उन सेक्टर में कौन सा स्टॉक्स ब्रेकआउट कर चुका है या फिर ब्रेकआउट करने वाला है। अब उन सब स्टॉक्स के पीछे भागो, क्योंकि तभी आपका वही स्टॉक लीडर स्टॉक बनेगा और वो स्टॉक आपको भयंकर वाला रिटर्न देगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका इंडेक्स फॉल करके नीचे थोड़ा सा सस्टेन करे, नीचे कुछ पैटर्न बनाए, तब आपको क्या करना है, धीरे धीरे वो सेक्टर ढूंढना है, कौन सा सेक्टर अभी ब्रेकआउट करने वाला है। ठीक है, तो वो सेक्टर ढूंढो, उस स्टॉक्स के अंदर, उस सेक्टर के अंदर देखो कौन सा स्टॉक्स ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकआउट जस्ट करने वाला है या कर चुका है, उस स्टॉक्स के पीछे भागो। ठीक है, तो उस स्टॉक्स के पीछे भागो, तब आपका वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस होता है। तो आपको समझ में आया है क्या करना है, और क्रैश क्या होता है, क्रैश के पीछे मत भागो। ठीक है, हमेशा हर चीज़ में क्रैश क्रैश करके आप पोर्टफोलियो मत बेचो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, 1 साल 1.5 साल का मतलब नज़रिया रखते हो, तो आप ना ये छोटे छोटे पुल बैक्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, मार्केट ये अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, उसके पीछे आप मत भागा करो हमेशा। तो अभी ये सब क्लिक बेट चीज़ होता है, लाइक क्लिक में इससे ना लोग अट्रैक्ट होते हैं कि क्रैश क्रैश क्रैश, लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं, इसलिए लोग भी वही करते कि कुछ भी हो जाए क्रैश क्रैश वर्ड यूज़ कर दिया, चलो लोग भी खुश, हम भी खुश, हम लोग अभी व्यूअर्स भी बढ़ गए, सब कुछ ऐसा ही होता है ना, सबका यही सीन है। तो आपको मैं जस्ट लॉजिकल बता रहा हूँ, क्रैश क्रैश के पीछे मत भागो। आप देखो 2017 से लेके 24 तक या 23 तक, 6 साल में कितना बार आपको मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और वो तब से देखो अब तक कहाँ पहुँच गया निफ्टी, ऑलमोस्ट 8,500-9,000 से अभी देखो 22,000 पहुँच गया। ठीक है, 6 साल में। हाँ, तो वही है, यही बात है क्रैश का जो मैं बात करने वाला था, यही क्रैश को आप रखो नज़र में कि कौन क्या क्रैश होता है और क्या नहीं, और आपको कब, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो बहुत लंबा समय के लिए, तब आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर 2000 अभी जो 24 है इसके बारे में बात कर लेते हैं, 24 का जो आउटलुक मुझे लगता है ना, तो इस ये वाला ईयर थोड़ा सा मुझे बहुत ही फ्लक्चुएशन वाला ईयर लगता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे
फ्रीक्वेंट डिप्स मिलेंगे, क्विक डिप्स होगा, हाँ फ्रीक्वेंट गैप्स होंगे, बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन ओपन होगा, इंट्राडे रिवर्सल्स बहुत होगा कि मार्केट गैप अप ओपन किया, 500 पॉइंट भागा, फिर रिवर्सल करके पूरा गेन लॉस करके सब कुछ, ऐसा ऐसा टाइप का रिवर्सल आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स बहुत मिलेंगे, निजक रिएक्शन बहुत मिलेंगे। 2024 का ये मेरा आउटलुक है, पहले मतलब कि ये सब चीज़ आपको 2024 में मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और ये जो 2024 का ईयर है, ये बहुत जल्दी आपको स्केल इन जो करते हैं लोग ना, कि एक बार में बल्क खरीद लिया, वो खरीदने वाला ईयर नहीं है। इसमें आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना करने वाला ईयर है, क्योंकि इसमें आप क्विक खरीदोगे, क्विक रिवर्सल्स आएगा। तो आपको क्या करना, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना, जो भी स्टॉक्स के पीछे जा रहे हो आप, धीरे धीरे खरीदो, धीरे धीरे खरीदो, टाइम दो इसको, क्योंकि ये आएगा। ये ईयर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, और इसके पीछे का रीज़न भी बहुत सारे हैं। क्योंकि कुछ मैं आपको डेटा पॉइंट्स देता हूँ 2024 का, US पॉलिटिक्स है, ठीक है, फिर इंडियन इलेक्शंस हैं, इंडियन US पॉलिटिक्स में इलेक्शंस है वहाँ पर, फिर इम्पैक्ट ऑफ बजट, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। US पॉलिटिक्स में क्या दिख रहा है, कि दिख रहा है कि जैसे कि अभी बिडेन का आने का चांसेस थोड़ा कम है जो लग रहा है मुझे। तो अगर नहीं आता है बिडेन, तो फिर क्या हो सकता है, फिर क्या होगा, चेंजेस होगा, कैसा होगा, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। अभी इंडियन इलेक्शंस जो है, देखो ये मोर ओवर जैसा लग रहा है कि रूलिंग पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। तो अगर रूलिंग पार्टी सरकार बनाएगी, कहीं ना कहीं सबको पता है, तो ये बात ऑलरेडी प्राइज्ड इन है, मुझे जितना लगता है ऑलरेडी प्राइज्ड इन है ये वाला बात, ठीक है। तो इंडियन इलेक्शंस भी हो गया, तो इम्पैक्ट ऑफ बजट, देखो ये बजट है इलेक्शन ईयर का बजट, इसमें लोगों को खुश करने के लिए सरकार देखेगा। अभी ये खुश करने के लिए देख रहा है, लेकिन इसमें सच में कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी एक बात है, वही में बजट का मेन इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर बजट में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या फिर खुश करने के लिए कुछ है, और लाइक डेवलपमेंट के बेस पे कुछ नहीं है, तब मार्केट इसको नेगेटिवली लेगा। अगर कोई ज़्यादा फ्रीबीज आ जाता है, तो ज़्यादा फ्रीबीज में मार्केट खुश नहीं होगा, मार्केट उसको नेगेटिवली लेगा। अगर अगर सरकार कैपेक्स में ज़्यादा खर्चा करती है, और उसका ज़्यादा कैपेक्स में ज़्यादा करती है, डिफिसिट फिस्कल डिफिसिट पे, मतलब कैसा होता है फिस्कल डिफिसिट, कितना कम हो रहा है ना, क्या हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बजट का जो लग रहा है कि अगर मार्केट मतलब इसको पॉजिटिव लेगा, तभी अगर कैपेक्स में ज़्यादा खर्चा होगा वैसा, मतलब कुछ उसमें डेवलपमेंट वाइज कुछ होगा, तभी मार्केट उसे पॉजिटिवली लेगा, वरना अगर फ्री बीस ज़्यादा होता है तब इसको मार्केट पॉजिटिवली नहीं लेगा, ठीक है। और है US फेड का जो है, कि US फेड का जो बोला जा रहा है कि लोग रेट कट्स करेंगे, 3 रेट कट्स करेंगे 2024 में, ठीक है। तो 2024 में 3 रेट कट्स करेंगे, और जो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये प्राइस्ड इन है ऑलरेडी, जो 3 रेट कट के अनाउंसमेंट के बाद डाउ जोन्स कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अब जाके जस्ट एक बार चेक कर लो, तो सब कुछ डिस्काउंटेड है इन प्राइस, ठीक है। तो अगर सब डिस्काउंटेड है, कुछ भी नेगेटिव आता है ना अभी मार्केट में, क्या हो, कुछ भी नेगेटिव आता है, देखा आपने HDFC बैंक का जस्ट रिजल्ट थोड़ा सा बुरा आया, HDFC बैंक जैसा स्टॉक थोड़ा रिजल्ट बुरा आया भी नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि दो बड़े बड़े कंपनी का मर्जर हुआ, उसमें फ़र्क पड़ता है, तो बड़े दो एंटिटी जब भी मर्ज होता है तब ऐसा थोड़ा होता है, बट इसमें भी मार्केट ने इतना पनिश किया, क्योंकि मार्केट में सब कुछ प्राइज्ड है, एवरीथिंग इज़ प्राइज्ड इन। तो अभी अगर मार्केट में कुछ भी आएगा ख़राब रिजल्ट, मार्केट पूरा उसको पनिश करेगा, मार्केट में कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आएगा, मार्केट जल्दी से करेक्ट करेगा, और डेट पूरा राइज हो रहा है, एवरी डे डेट इज़ राइजिंग, लाइक आप से देख लो, आप दूसरा कंट्री देख लो, हर किसी का डेट इज़ राइजिंग एवरी डे। जियो पोलिटिकल इशूज़ बहुत सारे हैं, इसराइल हमास का, अभी तक रशिया यूक्रेन कभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ कुछ छोटे छोटे कंट्रीज जो है, उन लोगों का जो लीडर्स होते हैं, बहुत ही मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ही इमेच्योर कमेंट्री करता है, बहुत ही इमेच्योर बातें करता है, जो ऐसा लग रहा है कि हर कोई हर किसी से लड़ना चाहता है, हर कोई अपने आप को बॉस समझता है। तो
इस टाइप का हो गया अभी। इसलिए हर छोटी कंट्री का आप देख लो, उन लोग का लीडर्स एंड उन लोग का अपोजिशन लीडर्स, हर एक छोटी कंट्री का, आप कोई भी कंट्री देख लो, उन लोग का बहुत ही गंदा कमेंट्री होता है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कभी सोचता नहीं है, तो जो आता है मुँह पे बोल देते हैं। तो इस तरह से आपका जो 2024 है, इसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और एक डेटा पॉइंट मैं इसे बताना चाहता हूँ, जैसा क्रूड ऑयल भी है। क्रूड ऑयल मुझे नहीं लगता कि अभी और ज़्यादा नीचे जाने वाला है, अभी क्रूड ऑयल लग रहा है मुझे ऊपर ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्रूड ऑयल का जो अभी दिख रहा है, मैं उन सब चीज़ों में इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन क्रूड ऑयल मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अभी गिरने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा एक हल्का सा पुल बैक देके फिर अपना अपवर्ड जर्नी शुरू करें। तो इसलिए मैं 2024 में ज़्यादा एकदम ओवर एक्साइटेड नहीं हूँ लाइक एक्युमुलेटिंग स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि 2024 बहुत ज़्यादा रिवर्सल्स, शार्प रिवर्सल्स, क्विक गैप्स, बहुत बड़ा बड़ा गैप्स, ये सब शायद कॉमन होगा। अभी देखते हैं कैसे पैन आउट होता है वो, तो अभी जस्ट मुझे जो कुछ डेटा पॉइंट्स मैं उसके ऊपर बात करके बोल रहा हूँ अभी, बाकी पता नहीं कैसा रहता है 2024। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक टू है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और लॉस को मिनिमम करने में मदद करती है ये। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है जिससे आप आपके कैपिटल को सेफ रखते हुए कैसे बड़ा कर सकते हो या फिर कैसे बढ़ा सकते हो उसको। एक साथ कैपिटल को आप सेव भी करो और धीरे धीरे बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं, कैसे पैसों को मैनेज किया जाता है। फ्यू की कंपोनेंट्स ऑफ मनी मैनेजमेंट: पोजिशन साइजिंग, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, डिफरेंट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट ट्रेडिंग। ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं जो मनी मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। पहला है पोजीशन साइजिंग। आप अपने एक ट्रेड में कितना पोजीशन ले सकते हो आपके कैपिटल के हिसाब से, जिससे आपका पॉसिबल रिस्क एंड पोटेंशियल प्रॉफिट्स में एक बैलेंस बना रहे और आप आपके लॉस को अच्छे से मैनेज कर पाओ। अगर मान लो अब अभी पोजीशन साइजिंग का बारे में बात करते हैं, तो अभी मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आप कल बैंक निफ्टी लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर लिया पूरा 1 लाख रुपए से, तब तो नहीं होगा ना। तब अगर वहाँ पर आपका मतलब 200 से आपने ऑप्शन बाय किया, वो अगर 150 आ जाएगा, तो आपका 25% कैपिटल इज़ गॉन। और ऑब्वियसली 200 रुपये का ऑप्शन तो कभी कभार 150 आ ही जाता है, स्टॉप लॉस अगर हिट हो सकता है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका 25,000 तुरंत गायब हो जाएगा। तो ऐसे आपको मैनेज करना होता है, पोजीशन साइजिंग को आपको डिफाइन करना होता है कि कैसे रखूं ताकि मेरा जो है लॉस भी मैनेज हो सके और प्रॉफिट भी मैं मैक्सिमाइज कर सकूं, ठीक है। तो ये पोजीशन साइजिंग हो गया। दूसरा हो गया डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स और स्टॉक्स हेल्प करता है रिस्क को कम करने में, और कोई पोअर परफॉर्मिंग एसेट्स से हुए भारी लॉस को स्टेबल करता है। इससे आपका पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आएगी और भारी नुकसान होने से रोकेगी। बहुत सारे ट्रेडर मल्टी एसेट ट्रेडिंग करते हैं टू हैज देयर पोजिशन, लाइक डॉलर लॉन्ग कर लिया, लाइक डॉलर लॉन्ग एंड निफ्टी लॉन्ग। तो डॉलर और निफ्टी का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर निफ्टी भागा तो इसमें प्रॉफिट होगा और डॉलर लॉन्ग में नुकसान। इससे क्या होता है, इससे वो अपने ट्रेड्स को हैज करता है, ठीक है। तो इस तरह से हेजिंग होता है, कोई मल्टी एसेट में हेज करता है डाइवर्सिफाई करके। हाँ, जैसे आप ऑप्शन में भी कैसे हेज करते हो, आप मान लो पुट शॉर्ट करके गए हो, मतलब आप लॉन्ग हो, पुट शॉर्ट किया। हाँ, पुट शॉर्ट किया तो आपने क्या करोगे, ऊपर एक कॉल भी शॉर्ट कर दिया, ताकि इनकेस आपके आया अपोजिट में आया मार्केट तो आप उससे बच सको। या फिर आपने पुट को अपने या फिर कॉल बाई किया, ठीक है, आपको डर लग रहा है कि क्या होगा, तो आप ऊपर क्या करो, और या फिर आप कॉल बाई किया तो आप कुछ पुट्स लेके जाओगे, ऐसे करते हैं ना। ये डाइवर्सिफाई ट्रेड में भी होता है, ये रिस्क हैज होता है, रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए। और जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिफरेंट सेक्टर्स में करते हैं, ताकि अपना जो
लॉस और पोटेंशियल लॉस को वो एक लिमिट में रख सकें, ठीक है, मतलब पोटेंशियल लॉस को थोड़ा कम करने के लिए। तीसरा आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हर एक ट्रेड में पोटेंशियल प्रॉफिट एंड पॉसिबल रिस्क को पहले से इवेल्युएट करना ज़रूरी है। आप जो लॉस देने के लिए तैयार हो और उससे होने वाली प्रॉफिट क्या जस्टिफाई है। आप मान लो कि आप एक ट्रेड ले रहे हो, अब जैसे कि जस्ट एग्जांपल दिया बैंक निफ्टी का, आप 25,000 लॉस लेने के लिए तैयार हो, ठीक है, और अगर आप 25,000 प्रॉफिट में निकल रहे हो तो क्या जस्टिफाई है? नहीं है। क्यों? अगर आप लॉस 25,000 हो रहा है और प्रॉफिट भी आप 25,000 में ले रहे हो तो जस्टिफाई नहीं है। और आप यकीन मानो, अगर आप ज़्यादा लॉस लेके चले गए, आप ज़्यादा लॉस वाला ट्रेड लेके चले गए, आपका पोटेंशियल लॉस मान लो 25,000 का लॉस है, यहाँ पर 1 लाख में 25,000 का लॉस, तो उसमें आप ना जब वो 20,000 का प्रॉफिट दिखाएगा ना, आप निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका लॉस बहुत बड़ा है, बैक ऑफ द माइंड आपका रहेगा कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा तो गया, तो आप 20,000 प्रॉफिट होने से भाग जाओगे। लेकिन आपको जब पता होगा कि मेरा 2,000 का ही लॉस होगा मैक्सिमम, तो अपना रिस्क को प्रॉफिट को आप कैरी कर सकते हो। अब 20,000 हो गया, तब तो 4,000 होगा, 4,000 हो गया, 2,000 हो गया, 3,000, आप उसको कैरी कर सकते हो। तो आपका लॉस जब कम होगा तो आप उसको लॉन्ग पोजीशन में, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन जो भी पोजीशन होगा आपका, उसमें आप अपना प्रॉफिट को आप कैरी कर सकते हो। यू कैन राइड योर प्रॉफिट, हाँ, यू कैन राइड योर विनिंग ट्रेड्स। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़रूरी है। अगर आप 1:3, 1:4 रखोगे, कुछ आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जैसे कि आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे में आप ऑप्शन करते हो, स्टॉक्स करते हो, वट एवर यू आर डूइंग, मिनिमम 1:3 रखो मिनिमम इंट्राडे में। अगर आप स्विंग करते हो, मान लो कि स्विंग ट्रेडिंग टाइप का या BTST टाइप का, तो आपका 1:4 होना चाहिए मिनिमम, 1:4, ठीक है। थोड़ा पोजिशनल, आप 1 वीक टाइप का ट्रेड करते हो, स्विंग टाइप का ही है, मतलब 2 to 1 week टाइप का, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम। और अगर आप पोजिशनल करते हो, अबव 1 month, 2 months, 3 months ऐसा टाइप का ट्रेड करते हो, तो उसमें आप तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आपको ज़्यादा रखना ही है, और उसमें आपको कोई टारगेट सेट नहीं रखना, क्योंकि उसमें आप टारगेट सेट रखोगे तो आप कभी कभी आपका बहुत बड़ा ट्रेड मिस हो सकता है। उसमें टारगेट मत रखो, उसमें क्या करो, आप जब लॉन्ग वाला ट्रेड होता है, पोजिशनल ट्रेड, उसमें आप टारगेट मत रखो। उसमें आप कुछ प्राइस से या फिर आप जो भी फॉलो करते हो उससे आप निकलो, उसमें आप स्टॉप लॉस एक लगा लो, उससे आप निकलो। तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको डिफरेंट टाइप का टारगेट होता है, रिस्क रिवॉर्ड होता है। ऐसा होता है डिफरेंट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट ट्रेडिंग। अगर आप एक ही अकाउंट से FNO, स्टॉक, स्विंग, पोजिशनल, इन्वेस्टमेंट सब कर रहे हो, तो आप कभी भी अकाउंटिंग सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हर एक सेगमेंट के लिए डिफरेंट अकाउंट्स रहना ज़रूरी है, एंड आपको पता भी चल जाएगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, और आप उसमें ज़्यादा फोकस कर सकते हो, आप उसको ज़्यादा से ट्रेड कर सकते हो। तो आप मान लो आप एक FNO का अकाउंट बना लिया, एक स्विंग का अकाउंट बना लिया, कुछ भी ऐसा बना लिया ना, तो आप देखोगे कि आपका स्विंग में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या फिर FNO में ज़्यादा हो रहा है। आप उसको हर एक ट्रेड को आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे, हर एक ट्रेड को अच्छे से आप जांच पड़ताल कर पाओगे कि मेरा कौन सा कमी है, कौन सा खामी है, तो उसको लेकर आप उसको ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो। मान लो आपको FNO में ज़्यादा अच्छा हो रहा है, देन आप स्विंग धीरे धीरे कम करके वहाँ से थोड़ा थोड़ा कैपिटल आप इसमें FNO में इन्फ्यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके आप धीरे धीरे उसको बढ़ा कर सकते हो। अगर आपके पास भी ऐसा है, आप अगर आप भी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो 2-3 सेगमेंट में, तो आप मल्टीपल अकाउंट को, डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग, तो इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जाके आप उसको एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हो आपको जो पसंद आए उसमें। आजकल तो डीमैट अकाउंट बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही स्मूथ होता है सब जगह प्रोसेस, तो आप वहाँ से एक अकाउंट खोल सकते हो। और मेरे लिंक से जो खोलेगा उसके लिए मैंने कुछ फ्यूचर में सोच के रखा, कुछ अच्छा, एक बहुत अच्छा सोच के रखा। अब मेरे अकाउंट से खोलने के बाद आप मेरे मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी भी मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मनी मैनेजमेंट। देन हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टू आइडेंटिफाई, एस्टिमेट एंड मिटिगेट पोटेंशियल थ्रेट्स टू कैपिटल। ये जैसे कुछ स्ट्रैटेजी के द्वारा आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना या प्लान करना इन फाइनेंशियल मार्केट। फ्यू की कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। एक नंबर में रिस्क टॉलरेंस, आपका खुद का रिस्क टॉलरेंस समझना ज़रूरी है।
हर एक इंडिविजुअल का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। आप जिस लेवल तक रिस्क लेके कंफर्टेबल हो, आप वही तक रिस्क लो। आप अपने रिस्क टॉलरेंस अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाओ, ये आपको मदद करेगा इन स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग एंड इमोशनली आप रिएक्ट नहीं करोगे। मतलब क्या है कि देखो, हर किसी का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। कोई होता है कि वो 1 लाख कैपिटल में 5,000 भी लूज़ करके उसको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, कोई होता है कि उसको 2,000 लूज़ करके भी बहुत बुरा लगेगा। तो आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाओ, उस हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करो, तब आप मतलब स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर पाओगे और आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करोगे। मतलब क्या होता है कि आपने कुछ ट्रेड लिया, वो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, तो आप इमोशनली रिएक्ट करने लग जाओगे, वहाँ से निकलूँ ना क्या करूँ, आपको बहुत कुछ थिंकिंग एक साथ आ जाएगा। तो इसलिए रिस्क को समझना, डिफाइन करो पहले रिस्क को, कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ पर ट्रेड। उस हिसाब से आप, जैसे पोजिशन साइजिंग आ गया, तो ये इंटरलिंक्ड है, कितना तक आप ले सकते हो उस हिसाब से आप पोजिशन बनाओ, देन उसको आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको रिस्क समझना ज़रूरी। दूसरा है कॉन्टिनजेंसी प्लान्स। कॉन्टिनजेंसी प्लान्स रहना ज़रूरी है और हमेशा इसके अकॉर्डिंग प्लान्स रेडी रखो। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्रिपेयर फॉर। ये क्या होता है कॉन्टिनजेंसी प्लान्स, जैसे कि उस दिन हुआ बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का गैप डाउन ऐसा हुआ, देन फिर भी उसके बाद भी वो 500 पॉइंट और गिरा ना, जो भी है वो गिरा ना गिरा, लेकिन 1,500 पॉइंट का जो गैप डाउन हुआ, अगर कोई वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के गया, जब सोचो अगर कोई बिना हेज के बिना कुछ के लॉन्ग पोजीशन बना के गया, तब तो हो गया। आप हमेशा एक ऐसा प्लान रखो, मान लो आपने एक पोजीशन लिया कि कुछ भी फ्यूचर बाई किया, फ्यूचर सेल किया, वट एवर यू आर टेकिंग, आप उसको ना एक मैक्सिमम तक रखो। एक मान लो कि आपने अगर रिक्स अभी आप 200 पॉइंट्स का रिक्स लेके चल रहे थे कि 200 पॉइंट्स में मैं निकल जाऊंगा, अब इसको घर लेके जा रहा हूँ, अब प्रिपेयर रहो कि कल अगर 1,000 पॉइंट गया, गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, मेरा जो लॉस होगा 1,000 पॉइंट गैप अप गैप डाउन में, क्या मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ? अगर नहीं हो देन लेके मत जाओ उस पोजिशन को। आप एक और सिनेरियो का हमेशा प्रिपेयर रहो, हमेशा के लिए प्रिपेयर रहो हर एक ट्रेड में। अगर मैं लेके जा रहा हूँ घर, तो क्या कल अगर 1,000 पॉइंट गैप अप दिया, गैप डाउन दिया, क्या मैं हिल जाऊँगा? अगर हिल जाओगे देन डोंट टेक। आप बोलोगे तो बहुत कम होता है, लेकिन जो एक दिन होगा ना वो आपको पूरा रुला देगा, देन आप इतना मतलब आपका कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाएगा कि आप बाद में वो ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, बाद में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं। कुछ भी ट्रेड हो आपको लगेगा नहीं लॉस होगा, कुछ भी ट्रेड लो आपको लगेगा लॉस होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हिल जाएगा। तो इस बेटर है कि आप धीरे धीरे करके, जैसे मतलब कुछ एक पोजीशन लेके जाते हो तो उसको आप हैच करके जाओ, या फिर अच्छे से पोजीशन को मैनेज करो कि आप मान लो कि 3 लॉट लेके जा रहे थे, 2 लॉट हटा लो, 1 लॉट लेके जाओ कि हाँ चलो एटलीस्ट आपका 400 पॉइंट तो बच गया, अगर इनकेस गैप डाउन हुआ तो आपको 400 पॉइंट तो बच गया ना, क्योंकि आपका 200-200 का लॉस था, आप बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, तो आपका कुछ तो बच गया ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा प्लान करके जा सकते हो। कॉन्टिनजेंसी प्लान्स के लिए हमेशा रेडी रहो, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप हमेशा ये मत सोचो कि नहीं नहीं हुआ, इतना दिन से नहीं होता, इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन थोड़ी होता है, मत करो, कभी भी कुछ आ जाएगा। जैसे कि रशिया यूक्रेन के टाइम में भी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 900 पॉइंट गैप डाउन दिया, देन उसके बाद भी स्लाइड किया, तो इस तरह का मार्केट में कभी भी कुछ होगा, तब आप जो आपका लॉस होगा वो लॉस तो रिकवरी करने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ही नीचे चले जाओगे, आपका सेल्फ डाउट बहुत आने लगेगा। तो इससे बेटर है आप इसको प्लान के हिसाब से लेके जाओ। इसलिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ, कुछ सिस्टम रखो कि मैं ऐसा होने से मैं कैरी करूँगा और मैं इतना कैरी करूँगा ताकि मैं एक मेरा जो मैक्सिमम रिस्क है उस ट्रेड में मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। इस हिसाब से आप प्लान करके जाओगे तो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अभी अगले टॉपिक में चलते। थर्ड टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी रेफर्स टू द इमोशनल एंड मेंटल स्टेट ऑफ ए ट्रेडर वाइल एंगेजिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग सक्सेस और फेलियर इन ट्रेड। की पॉइंट्स अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इमोशनल कंट्रोल। सक्सेसफुल ट्रेडर्स मेंटेन इमोशनल कंट्रोल, स्पेशली इन द फेस ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस। इमोशंस लाइक ग्रीड एंड फियर कैन क्लाउड जजमेंट एंड लीड टू इम्पल्सिव डिसीजंस। डेवलपिंग इमोशनल रेजिलेंस इज एसेंशियल टू नेविगेट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। इसका मतलब क्या है? मतलब जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो इमोशनली वो लोग कंट्रोल रहते हैं।
मार्केट में अप्स एंड डाउन्स में वो लोग खुद को इस काबिल बना के रखते हैं कि उसके हिसाब से लोग रिएक्ट कर सके, ना कि इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो सेल कर दो, मार्केट उठ रहा है तो बाय कर लो। कुछ वो लोग पॉइंट्स रखते, हमेशा अपने आप को एक सिस्टमेटिक वे पे चलते हैं कि हाँ मेरा कुछ की पॉइंट्स है, मैं उसमें ही चलूँगा, मैं उसके हिसाब से ही रहूँगा। वो लोग जो फियर एंड ग्रीड है उसको लेकर वो लोग इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते कि मार्केट चल रहा है तो हम लोग फियर हो जाते हैं कि ना सॉरी, हम लोग मार्केट चल रहा है तो हम लोग ग्रीड में आ जाते हैं कि नहीं और जाएगा और जाएगा, देन हम लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। जब गिरता है मार्केट तब हम लोग फेयरफुल हो जाते हैं। और एक वॉरेन बफेट का एक कोट्स है, व्हेन अदर्स आर फेयरफुल यू हैव टू बी ग्रीडी, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू हैव टू बी केयरफुल और यू हैव टू बी फेयरफुल। तो ये यही होता है इमोशनल कंट्रोल। आपको इमोशनली कंट्रोल लेना पड़ता है हर जगह पे। आपको मार्केट अगर गिर रहा है तो आपको कुछ आपका कुछ सर्टेन लेवल्स होंगे कि इसके नीचे हम मैं तभी जाके मैं डरूंगा या फिर तभी मैं कुछ रिएक्ट करूंगा। इसके पहले तक आप काम रहो। एक काम रहन है पॉइंट्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इफेक्टिव ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडर्स नीड टू स्टिक टू देयर ट्रेडिंग प्लान्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एंड फॉलो ए सिस्टमेटिक अप्रोच। डेविएटिंग फ्रॉम द प्लान ड्यू टू इम्पेशंस और एक्साइटमेंट कैन लीड टू पोअर डिसीजन मेकिंग। देखा, मैं जो थोड़ी देर पहले ही बोला आपको इमोशनल कंट्रोल में, कि डिसिप्लिन मतलब आपको सिस्टमेटिक अप्रोच रखना ज़रूरी है। ठीक है, आपका जो हम लोग पहले भी बात किए इसके पहले वाला टॉपिक में जो रिस्क मैनेजमेंट, वो भी ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, आपको स्ट्रैटेजी रखना ज़रूरी है, तभी जाके आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। प्लान जो आपने किया उसके साथ ज़्यादा ज़्यादा छेड़खानी करोगे या फिर उसके प्लान के मतलब आपने कुछ प्लान किया था लेकिन आज मार्केट कुछ दिखा रहा है तो आप प्लान से हट जाओगे। आपका कुछ प्लान होना चाहिए कि मैं इस कंडीशन में यही करूँगा, इस कंडीशन में यही करूँगा। आपका कुछ कंडीशंस होना चाहिए कि कंडीशनड ट्रेडिंग करना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते। थर्ड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रिस्क इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ट्रेडर्स शुड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे आर विलिंग टू रिस्क ऑन ए ट्रेड एंड सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली। दिस हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव लॉसेस दैट कैन ट्रिगर इमोशनल डिस्ट्रेस। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रिस्क इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में हम लोग पढ़े या उस टॉपिक में जो हम लोग पढ़े थे वहाँ पर भी हम लोग यही बोले, क्या होते हैं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तब क्या होगा। आप कभी भी देखना, आप शायद आपको मिला होगा वॉलेटाइल मार्केट, तब क्या होगा। आपने मान लो 200 का एक कुछ भी बाई किया, फ्यूचर ऑप्शन सब करते हैं इसलिए मैं उसका थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। 200 रुपये में कोई कॉल ऑप्शन बाई किया, पुट ऑप्शन बाई किया, वो आपका स्टॉप लॉस था, आपने माइंड में स्टॉप लॉस लगा के रखा था 170 में मैं निकल जाऊँगा या 150 में मैं निकल जाऊँगा, इतना स्टॉप इतना लॉस लेके। मार्केट 160 के अराउंड आया, देन आप सोचा नहीं 10 पॉइंट और है तब आएगा, तब मैं निकल जाऊँगा। मार्केट सडनली एक नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ऐसा स्पाइक दिया कि 130 तक डायरेक्ट चला गया, आपको टाइम ही नहीं दिया वहाँ से निकलने के लिए, तब आप क्या करोगे। आप थोड़ा सा हड़बड़ाहट आ जाएगा, आप सोचोगे नहीं, थोड़ा रुकते जाएगा, फिर आप 130 से देखोगे 120 आ रहा है, फिर 120 से 110 आ रहा है, 100 आ रहा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो लोग न्यू या बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स लोगों के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे से पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट करके जाते हो तब आपका कभी कभार ये सब अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट नहीं करके जाते या फिर ज़्यादा पोजीशन साइजिंग मिला के नहीं चलते, तो उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स मस्ट है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये लिखा, मैं जो यहाँ पर सारा पॉइंट्स लिख के दिया ना इसमें सब कुछ है, मैं जस्ट फिर भी थोड़ा सा एलेबरेट कर रहा हूँ, आपको ये पढ़ने से भी हो जाएगा, मैं इसलिए पूरा लिख के दिया है। चौथा है पेशेंस। सक्सेसफुल ट्रेडिंग रिक्वायर्स पेशेंस। मार्केट्स कैन बी अनप्रिडिक्टेबल एंड नॉट एवरी ट्रेड विल बी प्रॉफिटेबल। ट्रेडर्स नीड टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ ओवर ट्रेड और चेज लॉस। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल तो है, सबको पता है, और आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला, ये भी सबको पता है। तो राइट अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो, हर चीज़ कंफर्मेशन के बेस पे ट्रेड करो, हर चीज़ के पीछे कि हाँ इसके ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो, उसे कंफर्म होने दो। मार्केट में ज़्यादातर ब्रेकआउट्स या जो भी होता है वो ज़्यादातर फेल होता है लोग, और ज़्यादातर लोग फंसते क्यों हैं, हर ब्रेकआउट में उनको ट्रेड करना, हर ब्रेकडाउन में उनको ट्रेड करना। पेशेंस रखो, ब्रेकआउट दे रहा है तो वेट करो, वेट फॉर ए कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन के लिए वेट करो, कुछ सर्टेन सेटअप्स बनाओ उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रेड करो कि हाँ ब्रेकआउट दिया
तो एन नंबर ऑफ़ डेज क्लोजिंग या एन नंबर ऑफ़ कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ही मैं ट्रेड करूँगा। इसके बाद कुछ तो एक बनाऊँ सेटअप्स की, मैं इस बेस पे मैं ट्रेड करूँगा। तब आपका हो सकता है ज़्यादा ट्रेड्स ना मिले, लेकिन आपको अच्छा ट्रेड्स मिलेगा। अगर आपका विन रेशियो है 40%, देन अगर आप कुछ फिल्टर लगा दोगे ना, आपको विन रेशियो 70% हो जाएगा। ठीक है, आपको भले ही 10 रुपये का चीज़ 12 रुपये में मिल रहा होगा, लेकिन आपका विनिंग रेशियो बहुत, मतलब ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर बाद में आता है सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग वन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। रिकॉग्नाइजिंग पर्सनल बायसेस एंड इमोशनल ट्रिगर्स अलाउज ट्रेडर टू मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजंस। रेगुलर सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स ट्रेडर्स अडेप्ट एंड इम्प्रूव देयर स्ट्रेटजीज ओवर टाइम। खुद का वीकनेस स्ट्रेंथ्स जाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने जैसे आपको वहाँ पर भी बोला था, आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग अकाउंट रखो, देखो आप अपना जजमेंट तब आप दे सकते हो कि कौन सा आप मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, आपका खुद का पर्सनल चीज़ कैसा है, आप किस तरह का ट्रेड में आप फ्लक्चुएशंस आपको पसंद है। बहुत लोगों को फ्लक्चुएशंस पसंद होता है, बोलो जो लोग FNO करते हैं उन लोगों को पता होगा कि आपने 100 रुपये में एक पुट बाई किया या कॉल बाई किया, वो 200 चला जाता है, फिर 120 आता है, फिर 300 चला जाता है, ऐसा होता है फ्लक्चुएशंस। किसी को वो पसंद है तो वो उसमें ट्रेड कर, किसी को वो जो स्विंग ट्रेडिंग करता है या पोजिशनल ट्रेडिंग करता है उसको बोरिंग लगता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता है। किसी को वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्ट्रेस फ्री है, उसको उसको अच्छा लगता है। तो आपको जानना ज़रूरी है। और आपको जो मैं बोला ना, इम्प्रूव योर ओन स्ट्रैटेजीज ना, इम्प्रूव कैसे होगा, आप उसको अच्छे से कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो। कस्टमाइज़ तभी कर सकते हो जब आप लिमिटेड चीज़ों में काम करोगे। जब आप लिमिटेड चीज़ों में काम करोगे, आप अगर यहाँ पर MACD भी देख रहे हो, RSI भी देख रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो वहाँ पर, आप मूविंग एवरेज भी देख रहे हो, VWAP भी देख रहे हो, पिवट्स भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, देन आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजी रखना है, उसके ऊपर ही आपको काम करना चाहिए, तब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो हर मार्केट कंडीशंस में, हर जगह आप उसको अडाप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। मार्केट्स आर डायनामिक एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दैट वर्क इन वन मार्केट कंडीशन मे नॉट वर्क इन अनदर। ट्रेडर्स नीड टू बी अडेप्टेबल एंड ओपन टू एडजस्टिंग देयर स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। फिर से वही बात कि अवेयरनेस में मैं बोल दिया था कि आप तब अडाप्ट कर सकते हो सब चीज़ धीरे धीरे करके, जब अगर कुछ लिमिटेड चीज़ों में काम करोगे, और आज जो काम कर रहा है वो कल नहीं करेगा। कुछ चीज़ें साइडवेज मार्केट में अच्छा काम करता है, कुछ चीज़ें वॉलेटाइल मार्केट में अच्छा काम करता है, कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है। तो आपका ट्रेंडिंग मार्केट का आपका रवैया अलग होना चाहिए, साइडवेज मार्केट में आपका रवैया अलग होना चाहिए, और वॉलेटाइल मार्केट में आपका रवैया अलग होना चाहिए। तो तीनों तीन चार मार्केट कंडीशंस है उसमें आपका रवैया अलग होना चाहिए, आपके लिए सर्टेन स्ट्रैटेजीज रहना ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं करोगे, अडेप्ट नहीं करोगे खुद को, तो आप बहुत ही गंदा फंसोगे आपको, या फिर आप स्टेज में आप प्रॉफिट करोगे। आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करते हो तो वही अच्छा काम करते हो, आप साइडवेज और उस मार्केट में वॉलेटाइल मार्केट में आप पीछे रहो तो आप वहाँ पर काम। कंटिन्यूस लर्निंग, द फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंस्टेंटली इवॉल्विंग एंड सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर कमिटेड टू कंटिन्यूस लर्निंग। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड न्यू ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। वही मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, मार्केट में सीरियस पार्टिसिपेंट्स का ही काम है। जो लोग सीखना बंद कर देंगे, जो खुद को सोचेंगे मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ सीखना आ गया, तो नहीं होगा। आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, हमेशा नई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको। मार्केट बहुत ज़्यादा डायनामिक है, मार्केट हमेशा चेंज होता है। कभी आपको लगेगा कि RSI अच्छा काम कर रहा है, कभी देखोगे आप MACD अच्छा काम कर रहा है, कभी देखोगे आप ये वाला मूविंग एवरेज ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये तो होता ही है। फिर आपका बहुत और भी कुछ है, जैसे कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स भी चेंज होते हैं। कोई पार्ट कभी एग्रेसिव पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, जो लोग बहुत एग्रेसिव हैं, कभी आते हैं थोड़ा सा ढीला ढाला वाला पार्टिसिपेंट ज़्यादा मार्केट में ऐड होते हैं, तो लोग थोड़ा सा अपना एकदम संयम वाला रवैया अपनाते हैं। तो इस तरह से मार्केट थोड़ा बहुत जल्दी चेंज होता है, तो आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। और नई नई चीज़ों से मतलब ये नहीं है कि आपको हर नया चीज़ सीखना पड़ेगा, नई नई चीज़ों से मतलब है आपको हर चीज़ जानना पड़ेगा। मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा ट्रेंड्स है मार्केट में, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है मार्केट, तो वो सब आपको समझना पड़ेगा। या फिर आप अगर पूरा प्राइस में ट्रेड करते हो, आप प्राइस एक्शन में ही ट्रेड करते हो, देन आपको प्राइस बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा कि पहले कभी
मार्केट 2-2% मूव करता है, तो आजकल 2-2% मूव नहीं करता, आजकल 1-1% मूव करता है, या फिर आजकल 3-3% मूव कर ज़्यादा कर रहा है। तो आपको उस सब चीज़ समझना पड़ेगा, आप उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपना चीज़ों को ठीक से अडाप्ट करके उसको लेके उसको कस्टमाइज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। विथ लॉसेस, लॉसेज आर इनविटेबल इन ट्रेडिंग एंड हाउ ट्रेडर्स हैंडल दैम इज क्रूशियल। एक्सेप्टिंग लॉसेस एज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसेस एंड लर्निंग फ्रॉम दैम इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ड्वेलिंग ऑन लॉसेस और ट्राइंग टू क्विकली रिकवर दैम कैन लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस। लॉस तो मार्केट में हो गई, उसके साथ समझौता करना सीखो और लॉसेस सीखने की कोशिश करो। इसे लॉस को जितना लिमिट रखोगे ना, तो आप जितना लॉस लेते रहोगे दिक्कत नहीं होगा आपको। आप 10 ट्रेड में अगर आपका 6 में लॉस होता है और अगर 4 में आपका प्रॉफिट अच्छा होता है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर काम आता है। तो इसलिए आपका लॉस के साथ तो आपको हैंडल करना ही है, लॉस को लॉस के साथ रहना पड़ेगा, लॉस होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम करना है, पोजिशन साइजिंग में काम करना है और आपका रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है, ताकि एक ट्रेड में आपका बहुत ज़्यादा पैसा ना चला जाए और आप वो सोचो कि कैसे लॉस को जल्दी रिकवर करें। उस इसके बाद में आप थोड़ा सा इमोशनली, यहाँ पर भी ड्वेलिंग ऑन लॉसेस और ट्राइंग टू क्विकली रिकवर देम कैन लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस। मैं यहाँ पर इसलिए पूरा सब कुछ लिख के दिया, तो इसलिए आप जो लॉस हो रहा है वो क्यों लॉस हो रहा है, आप एक जर्नल बनाओ क्यों लॉस हो रहा है, मैंने क्या गलती किया था और तो किस में लॉस हो रहा है, तो ऐसा करके जर्नल बना के आप उसको प्रोसेस को आराम से लेके जा सकते। कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट बट ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी डिट्रीमेंट। ट्रेडर शुड बेस देयर डिसीजंस ऑन एनालिसिस एंड रिसर्च रेदर देन ब्लाइंड कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू एक्सेसिव रिस्क टेकिंग एंड पोअर डिसीजन मेकिंग। कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी दो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा ना, आपको लगेगा मुझे सब कुछ आता है, तब आप क्या करोगे, आपको बाय दिखेगा तो बाय करके बैठे रहोगे, आपका लॉस होता रहेगा तो बोलोगे नहीं नहीं मेरा तो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो वो कभी मत करना, जो है वही है, इसलिए कॉन्फिडेंस रहो कि मुझे, मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ ये काम आएगा। जो आपका लॉसेस भी हो रहा है उसके ऊपर आप कंट्रोल रखो, आप हर चीज़ नोट करके रखो, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करो। कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर पाऊँगा, वो कॉन्फिडेंस रखो मुझसे होगा, ये कॉन्फिडेंस रखो। ये कॉन्फिडेंस में मत रखो कि मैं ही कर पाऊँगा, या फिर मतलब मैं ही राजा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट किंग बन गया, मैं हर्षद मेहता बन गया, कभी नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू एक्सेसिव रिस्क टेकिंग एंड पोअर डिसीजन। लास्ट, डिटैचमेंट फ्रॉम मनी। सक्सेसफुल ट्रेडर्स व्यू मनी एज अ टूल फॉर ट्रेडिंग रदर देन एन इमोशनल मार्कर ऑफ सक्सेस और फेलियर। डिटैचिंग इमोशंस फ्रॉम द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स अलाउज फॉर क्लियर डिसीजन मेकिंग। हम लोग क्या करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, स्क्रीनशॉट देखते हैं कि कौन कितना कमा रहा है, हम लोग उस हिसाब से उसको जज करते हैं कि वो कितना अच्छा ट्रेडर है या नहीं है, ठीक है। और सब कुछ फेक चलता रहता है मार्केट में, सबको पता है, फिर भी लोग उसके पीछे जाते नहीं है। जो लोग बहुत अच्छे ट्रेडर हैं वो लोग कभी भी आपको अपना खुद का नहीं बोलेगा कि मैंने इतना कमाया, उतना किया, उतना किया, सब कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पैसों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि हाँ मैं पैसा नहीं कमाया तो मैं बुरा ट्रेडर कहलाऊँगा, मैं पैसा कमाया तो मैं ही अच्छा ट्रेडर कहलाऊँगा। तो आप ना एक इमोशनली आप एक ओवरलोडेड हो जाओगे, आप उसको लेकर ज़्यादा सोचोगे कि मुझे ट्रेड, मुझे प्रॉफिट करना ही है ट्रेड में, मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट करना है। तब आप ज़्यादा इमोशनली जब सोचोगे तभी आपका नुकसान होगा। तो पैसों के अलावा भी सोचो, पैसा मत सोचो, आप बस पैसा को रखो कि यहाँ इस पैसे से मुझे ट्रेड करना है, मैं ट्रेड मिलेगा तो मुझे पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, उससे मुझे ट्रेड करना है, दैट्स इट। और लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है उसमें ज़्यादा आप ध्यान मत दो, आपको जो सेटअप बन रहा है इसलिए आप ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान दो, लर्निंग से कुछ सीखो, सीख के उसको स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी बना के उस पर आप काम करो, रदर देन कि पैसा बनाना ही मेन मोटिव मत रखो। पैसा बन जाएगा, ऑटोमेटिक बनेगा, अगर आप अच्छे से आपका सब कुछ होगा, अगर अच्छे से आप आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ करोगे, पोजीशन साइजिंग सब कुछ ठीक करोगे, आपका डिसिप्लिन अच्छा है, पेशेंस अच्छा है, सब कुछ होगा, देन आप थोड़ा एक अच्छा स्ट्रैटेजी भी है आपके पास तो हो जाएगा। मार्केट में सब बाकी सब 80% है, सिर्फ स्ट्रैटेजी जो हम लोग बात करते हैं ज़्यादा, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी मतलब 100% स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी सिर्फ मैं 10-15% तवज्जो देता हूँ स्ट्रैटेजी पे, बाकी सब माइंडसेट से होता है सब कुछ, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो आता है उसमें, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट उसमें से ही होता है, माइंडसेट से ही काम होता है। 10-15% मैं तवज्जो देता हूँ आपके स्ट्रेटजी के ऊपर, आपका प्राइस सेटिंग कैसा है उसके ऊपर। तो अगर आप मेंटली पहले प्रिपेयर हो,
वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दोगे, इससे बेटर आप ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर हो। मेंटली प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए हों। नेक्स्ट टॉपिक में चलते। अपना फोर्थ टॉपिक है प्राइस पैटर्न। तो प्राइस पैटर्न में पहला पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यू पैटर्न। और बात एक बात याद रखना, ज़्यादा पैटर्न के पीछे मत भागो, कुछ पैटर्न लो उसमें आप पूरा मास्टरी करो, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो पहला पैटर्न है हम लोग का डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लो। पैटर्न को बनने से पहले एक सब्सटेंशियल अमाउंट का फॉल आना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है मार्केट एक रैली करे अपने एक इनिशियल बॉटम बना के। थर्ड पॉइंट, आफ्टर द फर्स्ट रैली मार्केट फिर से थोड़ा पुल बैक दें, लेकिन पुल बैक पिछले लो को ब्रेक ना करें। फोर्थ पॉइंट, द सेकेंड लो से मार्केट रैली करे और अपना प्रीवियस हाई जहाँ पुल बैक किया था उसको ब्रेक करे, तब जाके पैटर्न पूरा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। आप डब्ल्यू पैटर्न को डबल बॉटम पैटर्न से कंपेयर मत करो। दोनों दिखने में एक जैसा होता है पर डिफरेंसेस हैं। डब्ल्यू पैटर्न इज़ मोर रिलायबल देन डबल बॉटम। रीज़न, डबल बॉटम में आपको सेकेंड लो कभी भी प्रीवियस लो तक या उसके नीचे चला जाता है, मतलब सेलर आर एक्टिव एंड नॉट दैट वीक। बट डब्ल्यू पैटर्न में सेकेंड लो प्रीवियस लो से ऊपर रहता है, दैट मीन्स बायर ने सब सेलर्स को सेटिस्फाई किया और बायर ज़्यादा एग्रेसिव है। ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखोगे तो अच्छा होगा। आपको प्राइस को हमेशा बायर्स एंड सेलर्स के नज़रिए से देखना चाहिए। सेकेंड है एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न सिर्फ उल्टा है उसका डब्ल्यू पैटर्न का। एम पैटर्न जस्ट अपोजिट है डब्ल्यू पैटर्न का। इनिशियल एक अपमूव चाहिए सब्सटेंशियल अमाउंट का, उसके बाद एक फॉल आए, देन मार्केट रिकवर करने की कोशिश करे बट पहले हाई को तोड़ ना पाए और अगेन फॉल करना स्टार्ट करे और पिछले लो ब्रेक करे, तब जाके पैटर्न पूरा होगा। इसको भी आप डबल टॉप से कंपेयर ना करो। जैसे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न में बात किया था सेम वैसा भी यहाँ पर, जस्ट उल्टा। यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, हर एक टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो 5 मिनट से लेके मंथ। आप इसको हर टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट से मंथली तक आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये काम भी करता है। नेक्स्ट है रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट को ट्रेडिंग करना बहुत आसान है अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखो तो। रेंज कितना बड़ा है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग लिख के रखो मैं जो जो बताया, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लो, हर चीज़ को नोट डाउन कर लो, रेंज कितना बड़ा होना चाहिए। मोर देन 1 ईयर रेंज इन ब्लू चिप स्टॉक्स अप टू 45%, मोर देन 6 मंथ्स रेंज इन ब्लू चिप स्टॉक्स अप टू 25%, मोर देन 3 मंथ्स रेंज इन ब्लू चिप स्टॉक्स अप टू 15%, इन मिड कैप स्टॉक्स मोर देन 1 ईयर रेंज अप टू 50%, इन मिड कैप स्टॉक्स मोर देन 6 मंथ्स रेंज अप टू 30%, इन मिड कैप स्टॉक्स मोर देन 3 मंथ्स रेंज अप टू 20%, इन स्मॉल कैप स्टॉक्स मोर देन 1 ईयर रेंज अप टू 60%, 6 मंथ रेंज अप टू 35%, एंड 3 मंथ्स रेंज अप टू 25%, मोर देन 3 मंथ्स रेंज अप टू 25%। ऐसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर एंड द लॉन्गर द रेंज मूव विल बी मोर एग्रेसिव। ये आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। जब ब्रेकआउट करें, ब्रेकआउट कैंडल्स का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम का डबल हो या एटलीस्ट 1.7 टाइम्स हो। फॉल्स ब्रेकआउट कैसे समझें? मार्केट जब ब्रेकआउट करके विद इन 2-3 कैंडल्स में ही फिर से क्विक रिवर्सल देके रेंज में वापस आ जाए, तब समझ लेना ये फॉल्स ब्रेकआउट है। और इससे बचने का एक तरीका है, ब्रेकआउट में सिर्फ 30% ही क्वांटिटी बाय करो। पकड़ लो आप 100 शेयर्स बाय करने वाले थे तो सिर्फ 30 शेयर्स ही बाय करो वाइल ब्रेकिंग आउट, तब फॉल्स ब्रेकआउट से आप बच सकते हो। रिटेस भी कॉमन है, रेंज ब्रेकआउट हो या कोई भी ब्रेकआउट हो। अब बस ये ध्यान रखना ट्रेडिंग रेंज का मिड पॉइंट किसी भी हालत में वायलेट नहीं होना चाहिए। कभी कभी रिटेस के दौरान 1-2 कैंडल रेंज के अंदर क्लोज हो जाते हैं कमज़ोर दिल वाले ट्रेडर को बाहर निकालने के लिए, इसलिए कीप एन आई ऑन मिड पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग रेंज। जितना लंबा ट्रेडिंग रेंज होगा उतना ही आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। मोर देन 1 ईयर ट्रेडिंग रेंज का 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स ट्रेडिंग रेंज का 2 मंथ्स, एंड मोर देन 3 मंथ्स ट्रेडिंग रेंज का 40 डेज का प्लान होना चाहिए। आपको चार्ट में पोल एंड फ्लैग भी दिख रहा होगा, क्योंकि पोल एंड फ्लैग भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है जो काफ़ी इजीली मिलते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। आप फ्लैग एंड पोल के ब्रेकआउट के वक्त
अपना 70% शेयर्स ले सकते हो। इसे स्केलिंग कर कहते हैं। यहाँ आपको फ्लैग एंड पोल कहीं और कुछ और मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। इसलिए ट्रेडिंग पे हमेशा स्केल इन अप्रोच रखना। लॉस लिमिटेड होगा और प्रॉफिट भयंकर, क्योंकि आप सॉलिड कंफर्मेशन पे ही ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्लैग एंड पोल को ट्रेड करते वक्त ध्यान रखना। वॉल्यूम कंफर्मेशन, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रो टिप देता हूँ, फ्लैग एंड पोल हमेशा ढूंढना 52 वीक हाई, लाइफ हाई, 2 ईयर हाई, उसके ऊपर या आसपास अगर ये पैटर्न बना रहा है देन ज़्यादा चांसेस है सक्सेस का। फ्लैग एंड पोल को आप हर टाइम फ्रेम में देख सकते हो, लेकिन आपको कुछ जानना ज़रूरी है। अगर आप 30 मिनट से 2 घंटे के लिए ट्रेड ले रहे हो तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही या उसके आसपास ही आप ये ट्रेड ले सकते हो। अगर आप 2 घंटा से 2 दिन के लिए ट्रेड लेते हो तो एटलीस्ट 1 वीक का हाई या उसके आसपास ही आप ये ट्रेड ले सकते हो। अगर आप 2 दिन से 1 वीक के लिए ट्रेड ले रहे हो तो 1 मंथ के हाई के ऊपर आसपास ट्रेड ले सकते हो। अगर आप 1 वीक या 4 वीक के लिए ट्रेड लेते हो तो 3 मंथ के ऊपर आसपास के आप ट्रेड ले सकते हो। आप बाकी कुछ सर्कमस्टेंसेस में भी फ्लैग एंड पोल को इम्पोर्टेंस दे सकते हो, वो मैं आगे कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करें। आपको जितना बोला अगर आप इतना भी ध्यान रखते हो, मोर देन एनाफ। और ये सब पॉइंट्स आपको कोई भी नहीं बताएगा, और एटलीस्ट फ्री में तो बताएगा ही नहीं। 10,000 11,000 के वेबिनार पर भी आपको ये सब नहीं मिलेगा। जब फ्लैग बनता है आफ्टर ए पोल, फ्लैग फॉर्मेशन के दौरान इमेच्योर ट्रेडर उस स्टॉक से निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस, और इमेच्योर ट्रेडर हमेशा वन गो में ही बाय करते हैं, इसलिए थोड़ा फ्लक्चुएशंस वो लोग नहीं ले पाते। जैसे ही इमेच्योर ट्रेडर स्टॉक से हट जाते हैं, प्रो ट्रेडर टेक ऑन दैट स्टॉक्स, इसलिए फ्लैग एंड पोल ज़्यादा काम करता है। फ्लैग का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बेयरिश पोल एंड फ्लैग इसका उल्टा है दिखने में भी, और बाकी सारे पॉइंट्स भी, बस डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। ये वाला वन ऑफ माय फेवरेट, प्राइस एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में 90% लोग रेलवे स्टॉक्स को बस रोज़ बढ़ते हुए देखे होंगे, लेकिन एंटर कैसे करें वो पता नहीं रहा होगा। इस चार्ट को देखो, कितना बार एंट्री मिला, 35 के लेवल से एंट्री मिला, हर एक स्टेज में एंट्री मिला। चार्ट को बस अच्छे से देखो, इसको देखा जाता है जब जब प्राइस साइडवेज या एक रेंज में रहा, वॉल्यूम कैसे कम हुआ, जब भी उस रेंज से निकला वॉल्यूम भी स्पाइक हुआ। ये बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव प्रोसेस है। डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो एक बेयरिश चार्ट पैटर्न जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, बट इसको आप एक सब्सटेंशियल अपमूव के बाद इसके आइदर साइड ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हो। मैं इसको एज ए ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न हिसाब से देखता हूँ। असेंडिंग ट्रायंगल है तो एक बुलिश चार्ट पैटर्न, बट मैं इसको एक सब्सटेंशियल डाउन मूव के बाद इसको मैं कंटिन्यूशन पैटर्न के हिसाब से भी लेता हूँ, या इसको ऊपर ब्रेकआउट करे तो मैं इसको बुलिश पैटर्न भी मानता हूँ, लेकिन मैं इसको हमेशा कंटिन्यूशन पैटर्न के हिसाब से ही लेता हूँ। असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो, इसको कंटिन्यूशन पैटर्न के हिसाब से मैं। अगला है कप एंड हैंडल, ये चार्ट है जेंसर टेक का वीकली टाइम फ्रेम में। इसको जाके तुरंत बाय मत कर लेना, क्योंकि आप बाय तो कर लोगे लेकिन होल्ड नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले सीखो। आई होप आप सब कुछ पिक्चर में देख के समझ गए होंगे। जब भी आप कप एंड हैंडल को ट्रेड करो, हैंडल का लोअर पॉइंट शुड बी योर आइडियल स्टॉप लॉस। आप इस चार्ट को अच्छे से स्टडी करो। अगर कोई पोजीशन भी बनाना चाहता है, मिनिमम होराइजन 14 प्लस मंथ्स होना चाहिए, और प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के साथ ही जाना। दोस्तों, ये कुछ चार्ट पैटर्न्स मैं आपको जस्ट दिखाया, प्राइस पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो भी है। और मैं सोचा था कि इस वीडियो में सारा 6 टॉपिक कंप्लीट कर दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा कि शायद ये वीडियो भी 1 घंटा से ऊपर बन जाएगा। और बाकी जो 2 टॉपिक रहेगा, मैं इस वीकेंड पे ही इसका एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा, इस वीकेंड में ही। पार्ट 1 रहेगा ये, पार्ट 2 वो रहेगा, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखना, जो भी मैं यहाँ पर बताया इस पूरे वीडियो में या फिर अगला वीडियो में जो बताऊँगा, ये आपको ना 10-11 हज़ार के वेबिनार पर भी इतना नहीं मिलेगा। ट्रस्ट में, आप ज्वाइन कर लो, 11 हज़ार वाला वेबिनार आप ज्वाइन कर लो, फिर जाके मुझे बताना कि ये सब बताया कि इतना डिटेल्स में, या फिर इतना जो कुछ प्रो टिप्स दिया, एक दिया क्या वहाँ पर, वहाँ पर कुछ नहीं देगा। 11 हज़ार के वेबिनार जाओगे, आपको बस ऐसे सिखाएगा, RSI इंडिकेटर सिखा के भगा देगा वहाँ से, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इसको आप फ्री में मिल रहा है बोल के आप मत समझो कि बस ऐसे ही। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो लोग क्यों इतना चार्ज करते हैं। इसको तो आप ऐसे ही दे सकते हो सब नॉलेज, तो ठीक है। जो भी है, आप इसको अच्छे से देखो, चाहे तो दोबारा देखो, सब लिख के रखो।
और नेक्स्ट वीडियो भी आ रहा है इस वीकेंड में, उसको भी देख लेना एक साथ में, वीकेंड को पूरा यूटिलाइज करो अच्छे से। देन वही मैं कहना चाहता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन भी दबा के जाओ, क्योंकि वीकेंड में मैं इसका पार्ट टू लाने वाला हूँ, तो बेल आइकन दबा के ज़रूर जाना और दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को प्लीज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, थैंक यू, बाय।